हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हमने क्रोशिया का बेसिक सीखा। बेसिक कई स्टेप क्रोशिया के हमने सीखे हैं, कई डिजाइन्स सीखे हैं। इस वीडियो में हम ये वाला फूल का डिजाइन सीखेंगे। ये फ्लावर का डिजाइन हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये काफ़ी खूबसूरत सा फ्लावर का डिजाइन है, जिसे अगर आप, ये हमने तो ऊन पे बनाया है इसे, लेकिन अगर आप इसे रेशम के धागे या एंकर के धागे से बनाएंगे तो ये और भी खूबसूरत सा दिखेगा। इसे आप अपने कपड़ों पे, दुपट्टों पे भी लगा सकते हैं पैचवर्क की तरह। और ऐसे कई फ्लावर्स बना करके आप इसे ज्वाइंट कर करके बहुत खूबसूरत सा मेज पोस या इसके अंदर रबड़ बैंड डाल करके आप बहुत खूबसूरत सा तो चलते हैं, इस वीडियो में हम सीखते हैं ये फ्लावर का डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे। इस फ्लावर के डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 चेन लेंगे, 10 चेन। ये देखिए, ये हमने 10 चेन बना के रखा है। अब ये जो पहला चेन है, ये वाला जो पहला चेन है, इसमें हम अपने क्रोशिया को डालेंगे। ये हमने पहले चेन में अपने क्रोशिया को डाल दिया और एक स्लिप स्टिच से इस चेन को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर लिया। अब ये राउंड बन गया, ये पहला राउंड हमारा तैयार हो गया। अब हम सेकंड राउंड में बिना लूप का सिंगल क्रोशिया इस राउंड के ऊपर चलाएंगे, बिना लूप का सिंगल क्रोशिया। तो इसके अंदर हम, इसके अंदर बिना लूप का सिंगल क्रोशिया 20 बार चलाएंगे। ये 1, 2, 3, इस तरह से 20 बार हम बिना लूप का सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से 20 बिना लूप का सिंगल क्रोशिया इसके अंदर हमें लेना है। ये हमने 20 बिना लूप का सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बनाया। अब हम इसे स्लिप स्टिच से इस राउंड को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस राउंड को भी ज्वाइंट कर लिया। अब ये हमारा इस फ्लावर के ये बीच वाले पोर्शन की तरह आ गया। अब हम नेक्स्ट राउंड में बिना लूप का सिंगल क्रोशिया हर एक होल में डालेंगे। ये देखिए, बिना लूप का सिंगल क्रोशिया हमने लिया। अब हम 10 चेन फिर बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन बनाया। दूसरे छेद में फिर से बिना लूप का सिंगल क्रोशिया लेके इस चेन को ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, ये ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइंट हो गया। नेक्स्ट छेद में फिर से हम बिना लूप का सिंगल क्रोशिया लेंगे, देन फिर दूसरे छेद में फिर से बिना लूप का सिंगल क्रोशिया लेके फिर से 10 चेन बनाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चेन हमने बनाया। और इसे नेक्स्ट छेद में
बिना लूप का सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ये ज्वाइंट हो गया। आगे के छेद में भी हम बिना लूप का सिंगल क्रोशिया लेंगे। देखिए क्या किया हमने, एक बिना लूप का सिंगल क्रोशिया लिया, उस पर 10 चेन बनाया, दूसरे छेद में इस चेन को बिना लूप के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर दिया, तीसरे छेद में फिर से बिना लूप का सिंगल क्रोशिया लिया, फिर से आगे के छेद में चौथे चेन में बिना लूप का सिंगल क्रोशिया लिया और फिर 10 चेन बनाया और उसे दूसरे छेद में जाके ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में बिना इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में ये देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चेन गया है इस पर हम बिना लूप का सिंगल क्रोशिया चलाएंगे। इसके अंदर हमें 16 बिना लूप का सिंगल क्रोशिया चलाना है। 16 हमने चलाया। उसके बाद इस छेद में बिना लूप का सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे भी बिना लूप का सिंगल क्रोशिया देंगे। नेक्स्ट राउंड भी इसके अंदर हम 16 बिना लूप का सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इसको जो है बिना लूप का सिंगल क्रोशिया 16 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हमारा 16। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इन सारे राउंड को हम ऐसे ही फिल करेंगे। ये देखिए ये हमने
दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, सोलह। ये देखिए, ये बीच वाले में भी सिंगल क्रोशिया बिना लूप का डालेंगे हम। डाल लिए, अब लास्ट में से स्लिप स्टिच से इसे हम स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। बंद कर लिया, देखिए इसे कट किया और इसे निकाल दिया। ये हमारा फ्लावर का डिजाइन कंप्लीट हो गया। ये हमारा फ्लावर का डिजाइन कंप्लीट हो गया। ये हमारा फ्लावर का डिजाइन कंप्लीट हो गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।